नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। इंसान के सिर पर जब हवस का भूत सवार होता है तो वह न सिर्फ आपसी संबंधों को भुला देता है बल्कि जघन्य से जघन्य अपराध करने से भी पीछे नहीं हटता। कुछ ऐसा ही खुलासा जिले के बिजौली इलाके में एक हत्यारे से पूछताछ में हुआ है। अपने ही भतीजे के साथ दुष्कर्म और उसकी पानी से भरे गड्ढे में दबाकर हत्या करने वाले आरोपी जितेंद्र माहौर ने एक अन्य महिला से अपने अवैध संबंध न सिर्फ कबूले हैं बल्कि महिला से बातचीत कर संबंध बढ़ाने वाले दीपक माहौर नामक युवक को भी अपने रास्ते से हटा दिया था। घटना एक महीने पहले की है। पुलिस इस घटना को एक्सीडेंट मानकर चल रही थी। इस वारदात को अंजाम देने में युवक के साथ उसकी विधवा प्रेमिका ने भी साथ दिया था। पुलिस ने इस सनसनीखेज खुलासे के बाद उसकी प्रेमिका को भी हिरासत में ले लिया है। इसमें जो अभी बिजौली में एक छोटे बच्चे की हत्या करने में जो आरोपी था उसके बारे में एक जानकारी पता लगी थी कि उसका किसी और से भी विवाद हुआ, मर्डर किया है, उससे भी बातचीत की गई थी। उसके बाद में और जानकारी ली गई तो एक महीना पहले एक व्यक्ति जो है दीपा माहौर करके उसकी डेड बॉडी मिली थी, जिसके सिर पे पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में चोट की बात भी आई थी। क्योंकि वो सड़क के आसपास था तो उसकी क्वेरी वेरी भी की जा रही थी कि चोट किस तरह की है। अब पूरा इसका खुलासा पूछताछ में हुआ है। इसमें जो एक महिला है वहाँ पर जिससे इनके संबंध थे आरोपी के और साथ में उस व्यक्ति के भी मृतक के, और उसके चलते इनका विवाद कुछ हुआ जिसमें ये व्यक्ति सोचता था कि ये व्यक्ति जो मृतक है ये उसको परेशान करेगा, तो इसने उसको काफ़ी शराब पिला के इसके साथ मारपीट करी और सड़क जब वो बेसुध हो गया तो उसके सिर पर पत्थर मार के हत्या कर दी थी। इस प्रकरण में वो महिला भी इसकी सहयोगी थी, महिला को भी इसमें आरोपी बनाया गया। महिला के पास से मृतक का मोबाइल भी जब्त हुआ है और ये व्यक्ति अभी चूंकि जेल में है तो उसकी फॉर्मल अरेस्ट वगैरह कार्रवाई भी की जाएगी। सर, कुछ इस तरह का भी घटनाक्रम बनाया था इसने कि मर्डर है वो एक्सीडेंट लगे कुछ इस तरह? हाँ, वो उसने इस तरह से ही टर्न करने की कोशिश करी। बहुत शातिर तरह का है और दो मर्डर अभी तुरंत ही पता लगे एक महीने के अंदर, जो इसमें एक छोटा बच्चा भी है, तो काफ़ी बदमाश टाइप का और शैतान टाइप का आरोपी लगता है। अभी फर्दर और क्या कुछ उससे बातचीत? अभी हम इस रिमांड में फिर से लेंगे इस केस में और उसमें जो भी और बातचीत लगेगी तो करेंगे। अभी हम ये भी दिखवा रहे हैं कि आसपास कोई और मर्ग वगैरह तो नहीं हुआ है, कोई और बात तो नहीं इस तरह। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि Instagram और Facebook को भी आप फॉलो कर सकते हैं।